Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affair of national and international importance. Today's lecture is going to be very very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. Aaj hai 9th September, sabse pehle ek previous year question dekhenge. Question kya hai? Consider the following statement. First statement hai, originally the commission had only one election commissioner but was made a multi-member body through the 42nd Amendment Act. Second statement है, the chief election commissioner can be removed by the president of India. आपको बताना है कि इसमें से कौन सी statement correct है, one only, two only, both one and two, neither one nor two. अगर आपने कल वाला lecture अच्छे से देखा होगा तो आप इस question का answer easily दे पाएंगे. Comment box में आपको इसका answer जरूर लिखना है. अब एक quote देख लेते हैं. Quote क्या है? If ethics is poor at the top, the behavior is copied down the organization. किसकी quote है ये? Robert Noyce की. ये आपको एथिक्स के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. कुछ ऐसे भी ऐसे आ सकते हैं, हमें पता है एथिकल एसेज भी आ जाते हैं पेपर में, उसमें भी आपको ये क्वोट हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. हमें पता है इंडिया और चाइना फेस ऑफ होते रहते हैं LAC के पे. अब बात करने एंगेजमेंट की बात चली है कि इंडिया और चाइना एक स्टेप लेंगे सो दैट जो मई 2020 से स्टैंड ऑफ दोनों कंट्रीज़ के बीच चल रहा है उसको ख़त्म किया जा सके. लेकिन एक बात ध्यान देने की क्या है कि चाइना ने कहा है कि बात केवल पेंगोंगसो वाले रीज़न और गलवान वाली वाले रीज़न पे होगी. जो फ्रिक्शन पॉइंट्स डेमचोक डेपसंग और एक दौलत बेग ओल्दी है, वहाँ जो पॉइंट्स है वहाँ पर जो फ्रिक्शन दोनों कंट्रीज़ के बीच हो रही है उन पर बात नहीं की जाएगी. क्योंकि चाइना ने क्या कहा है कि वो करंटली जो स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसमें ये तीनों प्लेसेस पार्ट हैं ही नहीं, केवल वो पेंगोंगसो लेक और गलवान वैली में जो स्टैंड ऑफ है उसी मुद्दे पे बात करना चाहता है. और हमें पता है ये मूव SCO की सबमिट होने वाली है उज्बेकिस्तान में. मैंने बताया था उज्बेकिस्तान की कौन सी सिटी में वो सबमिट होने वाली है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं. इस हमें पता है ये सितंबर के मिड में होने वाली है SCO की सबमिट, उससे पहले ये बात इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है. उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट SCO जाता है. SCO के बारे में देख लेते हैं. SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यूरेशियन रीजन में होल्ड करती है. यूरेशियन रीजन में इसका एम है पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना. ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है. इसको 2001 में बनाया गया था. इसका चार्टर जो है उसको 2002 में साइन किया गया था और ये फोर्स में आई थी 2003 में. SCO से पहले क्या था, जो 5 मेंबर्स थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, इनको शंघाई 5 कहा जाता था. लेकिन जब 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया उसके बाद शंघाई 5 का नाम SCO हो गया. और जो शंघाई 5 था वो किस लिए बनाया गया था कि चाइना के साथ जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं, बॉर्डर डीमार्केशन का इशू है, कोई डीमिलिट्राइजेशन की टॉक्स हैं, उनको इनिशिएट किया जा सके. इसलिए 5 कंट्री शंघाई 5 वाली साथ में आई थी 1996 में. इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने SCO के 2017 में, और 2021 में ईरान भी SCO का एक फुल टाइम मेंबर बन गया. मेंबरशिप अब करंटली कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास है SCO की? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, ये सभी SCO की मेंबर्स हैं. स्ट्रक्चर देख लेते हैं SCO का. हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है जो कि सुप्रीम बॉडी है SCO की. सारी इंटरनल फंक्शनिंग को डिसाइड करने का काम इसी का है. और बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट से कैसे इंटरेक्ट करना है और इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेने का, उन पर कंसिडरेशन करने का काम भी हेड ऑफ काउंसिल का है. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल. ये बजट को अप्रूव करती है. जो भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं उन पे डिसीजन कौन लेगा? हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है. ये डे टू डे एक्टिविटीज़ कंसीडर करती हैं. रेड्स है, ये टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के इशू से लड़ने के लिए बनाई गई थी. SCO का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, ये आपको याद रखना है. SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी SCO की? रशियन और चाइनीज़, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है. थोड़ा सा देख लेते हैं. एक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक्साई चीन वाला रीज़न है जो चाइना कंट्रोल कर रहा है सिंस 1962. ये LAC है रेड लाइन में जो मैंने मार्क किया है. और हॉट स्प्रिंग वाला रीज़न ये रहा, गलवान वाली वाला रीज़न ये रहा, पेंगोंगसो ले ये रही, आप इसमें देख सकते हैं.
एक इमेज मैं आपको और दिखा देती हूँ, इस पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो है, ये वाली रेड लाइन जो है, ये है LAC, और चाइना जो लाइन क्लेम करता है अपनी टेरिटरी के लिए, ये ऑरेंज में जो डॉटेड है, ये वाली लाइन है। अब हमारे और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो कौन कौन से प्लेसेस को लेके है। सबसे पहली है दौलत बेग ओल्दी, ये रहा। उसके बाद देपसंग प्लेन, उसके बाद गलवान वैली, फिर है पेंगोंगसो, ये साउथ नॉर्थ बैंक है और ये साउथ बैंक है पेंगोंगसो लेक का। उसके बाद लास्ट में है डेमचोक। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इन सभी प्लेसेस को नॉर्थ से साउथ आपको लगाना है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ आपको लगाने के लिए बोल सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। एक शायद मैंने हॉट स्प्रिंग छोड़ दिया, हॉट स्प्रिंग भी है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच। इसमें यही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हमें पता है यूके की क्वीन एलिजाबेथ टू इज डेड नाउ। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो एलिजाबेथ टू थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा टर्म सर्व की है एज क्वीन। 96 ईयर्स की एज थी इनकी, अब जब इनकी डेथ हुई है तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूके से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 ईयर्स राज किया है इसलिए। और मैंने आपको डिफरेंस बताया था एक दो दिन पहले, यूके, ब्रिटेन और किस में बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, मैं टर्म भूल रही हूँ। मैंने आपको डिफरेंस बताया था इन सब के बीच, आपको ध्यान होना चाहिए। यूके के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप हैं, यूके के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जिसमें मोनार्क होते हैं किंग या क्वीन, जो कि हेड ऑफ स्टेट होंगे, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन ओपनली नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है जिसमें मोनार्क हेड ऑफ स्टेट के तौर पर सर्व करते हैं, लेकिन उनको ऑपरेट कौन करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे अनरिटर्न हो या मिक्स्ड हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन से वो बाउंडेड होते हैं जो भी मोनार्क होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की से कैसे डिफरेंट है, एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क ही होते हैं जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का सिंगल सोर्स होते हैं और इनको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से बांधा नहीं जाता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, इनको कॉन्स्ट्रेंट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर प्रेजेंट होता है। अब एशिया में दो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज देखी जाती हैं, एक तो जापान, दूसरी थाईलैंड। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या किया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डे टू डे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ का चार्ज दे दिया जाता है, और किंग और क्वीन जो होते हैं उनके पास रेजिडुअल पावर्स रख दी जाती हैं। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूके से कौन कौन से प्रोविजंस बोरो किए हैं, एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म। ये सभी आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो EWS कोटा लाया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जिससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% कोटा प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उसके ऊपर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी एग्जामाइन किया जाएगा। हमें इस कोटा के बारे में पता होना चाहिए, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट है क्या। सबसे पहले इसने अमेंड किया आर्टिकल 15 और 16 को, और इनमें इकोनॉमिक रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। आर्टिकल 15 पार्ट 6 और 16 पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए सो दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी को रिजर्वेशन अलाउ की जा सके। और ये किस लिए किया गया, सो दैट जो ऐसे पुअर हैं जिनको 50% रिजर्वेशन पॉलिसी में जो कवर नहीं हो पाते हैं, उनको इस 10% कोटा के अंदर कवर किया जा सके। ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को ये पावर देता है कि वो EWS सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सके। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने क्यों किया है, क्योंकि आर्टिकल 46 जो कि DPSP है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट को जो भी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वीकर सोसाइटी के, वीकर सेक्शंस के, उनको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए अब EWS कोटा में आने के लिए बेनिफिशरीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऐसी फैमिली जिसकी इनकम जो है वो
एनुअली 8 लाख से कम हो या फिर जिसके पास 5 एकड़ से कम की एग्रीकल्चर लैंड हो, और जो ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। ऐसे बेनिफिशरीज होने चाहिए जिनका घर जो है 1000 फीट से कम होना चाहिए, अबव लिखा हुआ है बिलो आएगा, और प्लॉट है वो 100 यार्ड से कम का होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट जो है उनका 200 यार्ड से कम का होना चाहिए इन अ नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया। ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, बेनिफिशरीज हो सकते हैं EWS कोटा के अंडर, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यही था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक आई है 132 और उसका स्कोर हो गया कम, इसलिए हमारी रैंक जो है वो ड्रॉप हुई है। अब ये देख लेते हैं, ये जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, UNDP। यहाँ आपको कन्फ्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में नहीं होना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन UNDP रिलीज करता है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 3 बेसिक डायमेंशंस को चेक करता है किसी भी कंट्री के पीपल की ह्यूमन डेवलपमेंट देखने के लिए। एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 बेसिस पे जज किया जाता है। 4 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हमें पता है मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझाया है राजपथ सेंट्रल विस्टा के बारे में, आज थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे इसका नाम था किंग्सवे, अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। मैंने कल के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से इसको समझाया है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, NCRB की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि नागालैंड ने एक्सटोर्शन के केसेस में टॉप किया है और असम में सबसे ज़्यादा सेडिशन के केसेस देखे गए हैं। ये रिपोर्ट है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, नागालैंड में सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है अंडर एक्सटोर्शन और ब्लैकमेलिंग, और असम ने टॉप किया है सेडिशन केसेस की रिपोर्टिंग में। 2021 की ये रिपोर्ट है, NCRB ने इसको रिलीज़ किया है। और क्या कहा गया है, और बाकी इसमें थोड़ा सा डाटा है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि नागालैंड में एक्सटोर्शन केसेस काफ़ी बढ़ते हुए देखे गए हैं और असम में सेडिशन केसेस बढ़ते हुए देखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश एक्सटोर्शन केसेस में 2nd नंबर पे है। सी, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जहां आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं, कि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सटोर्शन और सेडिशन की प्रॉब्लम बढ़ती हुई देखी जा रही है, तो वहाँ आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पहला NCRB, दूसरा सेडिशन लॉ और तीसरा IPC। IPC ऑल्दो हर आर्टिकल में रिपीट होता है, मैंने सोचा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दिया जाए IPC का। सबसे पहले IPC का ही देख लेते हैं बैकग्राउंड। IPC को 1860 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833 के अंडर बनाया गया था। लॉर्ड मैकॉले जिसके चेयरमैन थे उनकी रिकमेंडेशंस पे IPC को इस्टेब्लिश 1860 में किया गया था, और ये जो कोड है इफेक्ट में आया था 1862 में, और उस टाइम ये पूरी ब्रिटिश इंडिया पे एप्लीकेबल था एक्सेप्ट प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास अपना खुद का कोर्ट और लीगल सिस्टम था अंटिल 1940s। पार्टीशन के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस कोड को अडॉप्ट कर लिया और इसके जो लॉज हैं, इसके जो कोड हैं, वो सभी इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होते हैं। अब इसका सेक्शन 124A IPC का क्या कहता है, ये है सेडिशन से रिलेटेड। ये सेडिशन को एक ऐसे ऑफेंस के तौर पे डिफाइन करता है जहाँ कोई भी पर्सन बाय वर्ड्स, चाहे स्पोकन या फिर रिटन या फिर साइंस या फिर किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इशारे से, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है या फिर डिसएफेक्शन फैलाने की कोशिश करता है, तो उसको सेडिशन माना जाएगा। डिसएफेक्शन का मतलब क्या है, डिसलॉयल्टी, मतलब गवर्नमेंट के तरफ, गवर्नमेंट के एक्शंस के लिए डिसलॉयल्टी, और एनमिटी की मतलब दुश्मनी वाली फीलिंग अगर फैलाने की कोशिश करता है तो। और
अगर कोई पर्सन ऐसे कमेंट्स करता है जिससे ना ही कोई हेट्रेड फैल रही है, ना ही कोई डिसअफेक्शन हो रहा है, तो उसको इस सेक्शन के अंडर सेडिशन ऑफेंस में नहीं लाया जाएगा। अब पनिशमेंट क्या है अगर कोई सेडिशन का ऑफेंस करते हुए पाया जाता है? सबसे पहले ये नॉन बेलेबल है और इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जिसको एक्सटेंड लाइफ टर्म तक भी किया जा सकता है, और इसमें फ़ाइन को भी ऐड किया जा सकता है। और ऐसा पर्सन जिसके ऊपर ये चार्ज लगा हो, सेडिशन का चार्ज लगा हो, उसको गवर्नमेंट जॉब से बार्ड किया जाएगा और उनको बिना पासपोर्ट के रहना होगा, और जब भी कोर्ट बुलाएगा उनको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। ये इसमें था। एनसीआरबी के बारे में देख लेते हैं। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1986 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट क्राइम और क्रिमिनल्स पे इंफॉर्मेशन की ये रिपोजिटरी रख सके, सो दैट जो भी फर्दर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशंस करनी होंगी उनको इससे हेल्प मिले। इसको बनाया गया था नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस पे। और एनसीआरबी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटिक्स लाता है, क्राइम कितने हो रहे हैं कंट्री में, जिसका रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, उसको एनसीआरबी लाता है। यही इसमें इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सारा बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, साबरमती आश्रम को रिनोवेट किया जा रहा है। तो जो गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपनी असहमति जताई थी, वो चाहते थे कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आश्रम की इथोज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब जो इसका इम्पोर्टेंस है एक तरह से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट आश्रम के सराउंडिंग एरिया को डेवलप करेगी, आश्रम को डेवलप नहीं करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अब साबरमती आश्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साबरमती आश्रम को महात्मा गांधी जी ने सेटअप किया था और वो वहाँ 1970 से 1930 तक रहे थे। यहीं से इन्होंने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। कब स्टार्ट किया था ना, 12 मार्च 1930। आपके लिए काम है, आज आप दांडी मार्च को जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। और यहाँ से ये प्लेस जो है वो उस मोमेंट को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ महात्मा गांधी ने पैसिव रेजिस्टेंस को स्टार्ट किया था। और आश्रम एक ऐसा आइडियोलॉजी का होम माना जाता है जहाँ से इंडिया को फ्री करने के लिए जो मोमेंटम है वो गेन हुआ था। यही था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो श्रिम्प कल्चर के लिए लीज भीतरकनिका में प्रोवाइड करवा दी थी, अब उसको कैंसिल कर दिया है। यहाँ हम पढ़ेंगे श्रिम्प कल्चर होता क्या है। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा, प्रॉन, अगर आपको नहीं पता हो तो, इसलिए मैं बता देती हूँ। श्रिम्प, झींगा या प्रॉन, भीतरकनिका हमें पता है उड़ीसा में है, तो यहाँ भीतरकनिका के बारे में पढ़ते हैं और श्रिम्प कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। भीतरकनिका नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है और एक रामसर साइट है। आपको बताना है रामसर साइट इंडिया में टोटल कितनी है। इसको नेशनल पार्क 1988 में डिक्लेयर किया गया था। ये ब्राह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर, धमरा रिवर, महानदी रिवर की एस्चुरीज पे भीतरकनिका लोकेटेड है। उड़ीसा के केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उड़ीसा की वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसको माना जाता है। और ये अपने मैंग्रोव्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल्स, एस्चुरी और क्रोकोडाइल्स और क्रीक्स के लिए काफ़ी फेमस है। कंट्री की एस्चुरीन या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का 70% यहीं पाया जाता है। इनका कंजर्वेशन 1975 में स्टार्ट किया गया था। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं भीतरकनिका के अंडर? भीतरकनिका में 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहीरमाथा मैराइन सेंचुरी। एक दिन अब कोई भी नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी नेशनल पार्क की बात आएगी, वहाँ मैं आपको बताऊँगी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है, वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अब हमारे पास ये जो है क्या नाम, श्रिम्प कल्चर, इससे रिलेटेड एक स्कीम आई थी, स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, शपहारी स्कीम। वो किसने डेवलप की थी? एमपीडा ने, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्कीम लाए थे एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। उसका नाम था शपहारी। शपहारी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है एक्वाकल्चर के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, उनके बेसिस पे लाई गई थी। और ये एक ऐसा मार्केट टूल है जिससे कि जो भी हमारे एक्वाकल्चर के फार्मर्स हैं उनको अच्छी एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में हेल्प मिलेगी।
अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक फ्री श्रिम्प प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में उनको हेल्प मिलेगी, सो दैट जो ग्लोबल कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। और इससे क्या होगा, इंडिया की जो फ्रोजन श्रिम्प प्रोड्यूस है वो काफ़ी बोस्टर होगी, काफ़ी बूस्ट होगी, क्योंकि हमें पता है जो श्रिम्प है वो हमारी कंट्री का बिगेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट आइटम है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला सी फूड आइटम हमारा क्या है, श्रिम्प। इसलिए इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। इसके एक्सपोर्ट्स देख लेते हैं, इंडिया ऑलमोस्ट 2019-2020 के बीच में $5 मिलियन की वर्थ की फ्रोजन श्रिम्प को एक्सपोर्ट कर चुका है, और US और चाइना सबसे ज़्यादा बड़े हमारे बायर्स रहे हैं। फ्रोजन श्रिम्प इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड आइटम है, मैंने आपको बताया। और हमारी जो टोटल USD अर्निंग्स हुई थी जो मैराइन सेक्टर से 2019 से 2020 के बीच, उसका 50.58% क्वांटिटी में और मॉनेटरी टर्म्स में 73.2% किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, श्रिम्प्स ने। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है। अब हमारे कंट्री में कौन कौन सी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मेजर श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। अराउंड 95% जो कल्चर्ड श्रिम्प है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता, ये आपको पता होना चाहिए, यही इसमें इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि ट्रांसजेंडर्स को जॉब पॉलिसी प्रोवाइड करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी ट्रांस पर्सन्स हैं उनको जॉब के लिए उनकी कोई पॉलिसी लाई जाए, सो दैट जो ट्रांस पर्सन्स एक्ट है उसको फॉलो किया जा सके अच्छे से। हमने आई थिंक 4-5 दिन पहले ट्रांस पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 समझा था क्या था, लेकिन उसमें हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि इनके लिए कोई जॉब प्रोविज़न नहीं दिया गया है, कोई लिवलीहुड सिक्योर करने की बात नहीं की गई है। तो यहाँ उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बनाई गई है अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट ऑफ 2019। तो ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स ये एक स्टेटरी बॉडी हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके लिए जॉब प्रोविजंस लाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, सो दैट इनका सोसाइटी में फुली इंक्लूजन एंश्योर किया जा सके, फुली इनका पार्टिसिपेशन सोसाइटी में हो पाए। थोड़ा सा फिर से एक्ट के बारे में देख लेते हैं। इस एक्ट में ट्रांसजेंडर पर्सन की न्यू डेफिनेशन दी गई, ऐसा कोई पर्सन जिसका जेंडर बर्थ के टाइम पे ना ही मैन से मैच होता है ना ही वीमेन से, और ट्रांस मैन हो सकता है, ट्रांस वीमेन हो सकता है, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस हो सकता है, जेंडर क्वेयर्स, या फिर ऐसे पर्सन जिनको कुछ सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज से जोड़ा जाता है, जैसे किन्नर्स, हिजराज, अरावनी, जोगता, उन सभी को ट्रांसजेंडर पर्सन की कैटेगरी में रख दिया है। हाईलाइट्स देख लेते हैं इस एक्ट के। इस एक्ट का एम है जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए किसी भी सेक्टर में, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ केयर में। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई है कि उनको इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करवानी होंगी। कोई भी पर्सन है उसको ट्रांसजेंडर कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू कर देंगे, और ये सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, और जो भी इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर राइट्स हैं इस सर्टिफिकेट की हेल्प से उनको मिल पाएंगे। और क्या कहा गया है, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकता है एज अ मैन, वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर। ये सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और हार्मोनल थेरेपी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पर्सन का राइट है, वो अपने आप को कैसे देखना चाहता है, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है। और ट्रांसजेंडर पर्सन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास, सो दैट वो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकें। जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें एक मेडिकल ऑफिसर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे और एक ट्रांसजेंडर पर्सन होंगे। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बनाया है, इसको इसी एक्ट के कॉन्सोनेंस में बनाया गया है, और इससे क्या होगा, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अपना सर्टिफिकेट के डिजिटली अप्लाई करने में हेल्प मिलेगी, आइडेंटिटी कार्ड वो कहीं से भी कंट्री में कहीं भी हो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट उन्हें जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ फिजिकल इंट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है उसका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा, कोई भी ग्रीवेंस है उसके रिड्रेसल के लिए ऑनलाइन वो डाल सकते हैं।
जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी पूरी प्रोसेस में आ जाएगी। जो इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं उनके पास स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी गई हैं सो दैट वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करें और ट्रांसजेंडर पर्सन्स को सर्टिफिकेट्स इशू करें, और आई कार्ड्स जो हैं वो भी टाइमली इशू किए जाएँ विदाउट एनी नेसेसरी डिलेज। गरिमा ग्रह एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट लाई है, इसको वडोदरा गुजरात में ओपन किया गया था और लक्ष्य ट्रस्ट इसको रन करता है, इसको चलाता है। लक्ष्य ट्रस्ट जो है एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसजेंडर्स ही रन करते हैं। ये शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की एक स्कीम आई थी जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स को शेल्टर होम प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें शेल्टर फैसिलिटी, फूड, क्लोथिंग फैसिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, योगा, फिजिकल फिटनेस, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, लीगल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइस, ये सभी इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये स्कीम में क्या कहा गया था कि हर ऐसे होम के लिए मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी कम से कम 25 ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जिनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। अभी के लिए 10 सिटीज़ ऐसी आइडेंटिफाई की गई थी जहाँ 13 शेल्टर होम सेटअप किए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यही था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, एक कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है आपको, ये तमिलनाडु में है। इसका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके खिलाफ वहाँ के लोकल्स ने शिकायत की थी और उन्होंने डिमांड की थी कि इस न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ का जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स को इससे काफ़ी इशू हो रहा है। तो यहाँ इस आर्टिकल में हमारे लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, और ये कुडानकुलम पावर प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जिसका यूज़ सिविल पर्पसेस के लिए किया जाता है, एनर्जी जनरेशन के लिए हो सकता है या फिर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इसका मिलिट्री पर्पसेस के लिए कोई यूज़ नहीं किया जाता। और इंडिया ने रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके इसको बनाया था। इंडिया में टोटल 7 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और सभी काफ़ी इंडिया का क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड करते हैं। AERB के बारे में देख लेते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, ये इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया था। स्टेट्यूटरी बॉडी है तो कोई ना कोई एक्ट से इसको पावर मिल रही होंगी। कौन सा एक्ट है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। लेकिन इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया कब गया था? 1983 में। एक्ट है 1962 का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका काम है, इसको बनाया गया था कुछ स्पेशल रेगुलेटरी और सेफ्टी फंक्शंस के लिए। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से जो AERB इसको अपना ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी मिलती है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में देखे जा सकते हैं। प्राइमरी पर्पस इसका क्या है? जो भी न्यूक्लियर सेफ्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें डील करना। ये इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि एक ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी लाना हम पूरे वर्ल्ड के लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है। और WHO के अम्ब्रेला के अंडर एक ट्रीटी अगर आ जाए तो उससे फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड किया जा सकेगा, कोहरेंस को बिल्ड किया जा सकेगा। पूरा इशू समझ लेते क्या है। हमें पता है COVID-19 कितना सीवियर पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में इसका असर देखा गया और इसकी वजह से ऐसा पाया गया है कि ग्लोबली 18 मिलियन पीपल की डेथ हो गई। और क्या पाया गया है? ऑलमोस्ट 120 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। और COVID-19 की वजह से ग्लोबली एक मासिव रिसेशन देखा गया, मंदी देखी गई है पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी सिंगल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस इमरजेंसी से सिंगल हैंडेडली उसको एड्रेस कर पाए, उससे लड़ पाए। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ, मतलब कोई भी सेफ नहीं है जब तक हर कोई सेफ नहीं है। मतलब अकेले आपको कोई काम करना आप नहीं कर पाएंगे इस टाइप के पेंडेमिक की सिचुएशन में, सभी को साथ में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब जो हेल्थ इनइक्विटी के बारे में WHO ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स आउटब्रेक को एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। हमें पता है COVID-19 को भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने घोषित किया था, काफ़ी सीवियर था। अब मंकी पॉक्स को कर दिया है, ये भी काफ़ी सीवियर है। इससे भी हमें
ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इसके 32,000 केसेस देखे गए हैं 80 कंट्रीज में अगस्त 2022 तक। इसलिए ये एक दूसरा हेल्थ क्राइसिस वर्ल्ड को देखने को मिल सकता है। जो हाई इनकम इकोनॉमीज थी वो अभी भी COVID-19 के आफ्टर इफेक्ट से रिकवर करने लग रही हैं, जबकि जो लो मिडल इनकम कंट्रीज थी उनमें जो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए कोरोना वायरस के वो इररिवर्सिबल थे, मतलब वो पॉवर्टी की तरफ इतना धकेल दी गई हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के असर की वजह से कि वहाँ उसका असर इररिवर्सिबल हो गया, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हाई इनकम इकोनॉमीज तो रिकवर धीरे धीरे कर रही हैं, लेकिन लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ के लिए रिकवर करना इररिवर्सिबल हो गया, मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया है। हमने देखा था COVID-19 के टाइम पे कुछ फार्मा मेजर्स ने मोनोपोली ले ली थी, जैसे पीफिजर, बायोएनटेक और मोडर्ना ने, जिसकी वजह से हमें एटलीस्ट 9 न्यू बिलियनियर्स देखने को मिले COVID-19 के टाइम पे। मार्च 2022 तक कुछ वैक्सीनेशन का ऐसा हाल था कि लो इनकम कंट्रीज़ में केवल 3% पीपल वैक्सीनेटेड हो पाए थे, जिनको ये मैंने 3% भी ऐसे बताया जिनको एटलीस्ट 1 डोज लग चुकी है, बाकी 97% को एक भी डोज नहीं लगी थी। और हाई इनकम कंट्रीज़ में ये प्रोपोर्शन है 60.18 ऐसे लोग हैं जिनको एटलीस्ट 1 डोज लग चुकी है। इंटरनेशनल टारगेट था 70% पॉपुलेशन को COVID-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेट करना बाय मिड 2022, लेकिन वो मिस हो गया है क्योंकि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाई, वो इससे टैकल नहीं कर पाई। अब हमें पता है इसको मंकी पॉक्स को PHEIC डिक्लेयर कर दिया गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर चुका है WHO, लेकिन किसी भी कंट्री ने एक्सेप्ट एशिया कोई भी प्रिकॉशन लेना इसमें शुरू नहीं किया है। ऐसे ही वर्ल्ड लीडर्स ने प्लेज किया था कि वो 7.4 यूरो या फिर 8.07 बिलियन डॉलर्स के लिए साथ में फंड रेज करेंगे सो दैट जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा सके, लेकिन क्या देखा गया US सामने आया ही नहीं, US ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए भेजा ही नहीं, इसलिए वहाँ भी इनइक्वालिटी देखी गई। इसी बैकड्रॉप को देखते हुए एक ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी को प्रपोज किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के स्पेशल सेशन में सो दैट सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंश्योर किया जा सके। और लॉजिक क्या था कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो गई थी पेंडेमिक के दौरान, इसलिए हमें एक ऐसे कमिटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे पॉलिटिकल कमिटमेंट करने की ज़रूरत है जिससे फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आए, फ्यूचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने आती है उसको हम मिटिगेट कर पाएँ साथ में मिलके। इंडिया का रोल क्या हो सकता है, इंडिया ने एक लीड रोल COVID-19 के टाइम्स में शो किया है, इंडिया ने वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 60% वैक्सीन अकेले प्रोड्यूस की हैं और यूनाइटेड नेशन एनुअल वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में 60-80% जो वैक्सीन हैं वो इंडिया की ही हैं, जो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन मैत्री जो हमारा इनिशिएटिव था उसके अगेंस्ट उसके अंदर आई हैं। इंडिया हमें पता है खुद यहाँ हमारे पास डोमेस्टिक यूज़ के लिए वैक्सीन की शॉर्टेज थी, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना वैक्सीन का शिपमेंट कंटिन्यू रखा और भी डायग्नोस्टिक जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मास्क वगैरह हमने काफ़ी एक्सपोर्ट किए हैं। ये आपको पता होगा एज ऑफ 2021 इंडिया ने 594.35 लाख डोसेस जो कि मेड इन इंडिया COVID-19 के तहत बनाई गई थी वो एक्सपोर्ट की थी 72 कंट्रीज़ को। इनमें से 81.25 लाख डोसेस तो हमने गिफ्ट की थी कंट्रीज़ को, 339.67 लाख डोसेस कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट की गई और 173.43 लाख डोसेस जो हैं वो कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर डिलीवर की गई। कोवैक्स प्रोग्राम गेवी जो वैक्सीन अलायंस थी उसके अंडर आता है, उसमें हमने ये डिलीवर की थी। हमें पता है COVID-19 के टाइम से फार्मा मेजर्स के बीच में काफ़ी टसल चल रही थी, किसके लिए चल रही थी क्योंकि उन्हें पेटेंट्स के ऊपर पेटेंट्स चाहिए थे सो दैट वो काफ़ी अच्छा अर्न कर पाएँ, लेकिन
इंडिया ने उस टाइम भी एक ग्लोबल लीडर की तरह अपना रोल निभाया, और जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ वैक्सीन की इतनी ज़्यादा कमी थी, तो साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया आगे आया और उसने ये प्रपोज किया WTO को, ये कहा अक्टूबर 2020 में कि किसी भी कंट्री को ये अलाउ ना किया जाए, ना ही किसी को पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाए, ना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी टाइप की दी जाए। जो भी COVID-19 से रिलेटेड ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, डायग्नोस्टिक हैं, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी में कोई भी पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट किसी को भी ग्रांट WTO को नहीं करना है। इस चीज़ में इंडिया ने ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाई थी, साउथ अफ्रीका के साथ आके WTO को ये सजेशन दिया था, जब तक कि ग्लोबली हर्ड इम्यूनिटी को अचीव ना किया जा सके। उसके बाद लेसन्स हमने काफ़ी सारे सीखे, उससे उन लेसन्स से हमें आगे का अपना पाथ चूज़ करना है। जो भी लेसन्स हमने सीखे वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, लेकिन एक ट्रीटी की ज़रूरत है WHO के अम्ब्रेला के अंडर, सो दैट जो कोहेरेंस है उसको बिल्ड किया जा सके, फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड किया जा सके, और ऐसी एक ट्रीटी जिसमें डाटा शेयरिंग को इंक्लूड किया जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी नए वायरसेस की हो रही है उसको इंक्लूड किया जाए, साथ में कोलैबोरेटिव वे से इनके ऊपर बातचीत की जाए, इनके ऊपर स्टेप्स लिए जाएं, और जो भी गवर्नमेंट्स हों, पार्लियामेंट्स हों, वो फॉर्मली कमिट करें, एक लीगल वे से कमिट करें कि वो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगी, और एक प्रॉपर फंडेड रैपिड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म लाने की बात की जानी चाहिए। सभी कंट्रीज़ को साथ आने की ज़रूरत है, सो दैट कुछ कॉमन मेट्रिक्स पे सभी एग्री हो जाएं, जो कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, और उन हेल्थ इन्वेस्टमेंट से हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है उस पे बात हो पाए, सो दैट जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर गैप है उन वो रिड्यूस किया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी है इसका एम केवल सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना ही नहीं होगा, बल्कि एक ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को बनाना होगा, सो दैट अगर कोई फ्यूचर में हेल्थ इमरजेंसी सामने आ सके तो हम उसको टैकल कर पाएँ, और इंडिया को इसमें एक लीड रोल लेने की ज़रूरत है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है गैवी क्या है, वैक्सीन अलायंस है, इसको 2000 में क्रिएट किया गया था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को साथ में लाने की बात की गई थी, सो दैट जो भी न्यू और अंडर यूज्ड वैक्सीन हैं इनको इक्वली एक्सेस किया जा सके वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ के द्वारा। कोर पार्टनर्स इसके कौन कौन से हैं, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मंकी पॉक्स के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंकी पॉक्स की बात आई है, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती है, और ये एक पॉक्स जैसी डिजीज़ है जो कि मंकीज में पाई गई, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया। नाइजीरिया में एंडेमिक थी, और मंकी पॉक्स वायरस से ये होती है। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का एक मेंबर है, नेचुरल होस्ट इसमें अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इस डिजीज़ को काफ़ी सारे एनिमल्स में रिपोर्ट किया गया है। जो भी एनिमल्स हैं इसके सोर्सेज, उनमें मंकीज़, एप्स, रोडेंट्स, रैबिट्स, इन सबको इंक्लूड किया जा रहा है। आउटब्रेक इसका कब देखा गया, सबसे पहले 1958 में फर्स्ट आउटब्रेक देखा गया था इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और ह्यूमन्स में मंकी पॉक्स 1970 में देखा गया, वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही देखा गया। 2017 में नाइजीरिया में एक काफ़ी बड़ा आउटब्रेक देखा गया, और फिर उसके बाद से वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये डिजीज़ धीरे धीरे फैलने लगी। सिम्टम्स इसके क्या हैं, इन्फेक्टेड पीपल जो होंगे चिकन पॉक्स की तरह उनके उनके बॉडी पर रैशेज़ हो जाएंगे, फीवर, मेलेज, हेडेक, ये सब भी देखा जा सकता है मंकी पॉक्स में, जो कि चिकन पॉक्स इन्फेक्शन के मुकाबले थोड़ा सीवियर होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा गंभीर होगा। जो अर्ली स्टेज होगा उसमें इसको और स्मॉल पॉक्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो एनलार्ज हो जाएंगे। लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गले में, शोल्डर में, आर्म्स में, वो थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से प्राइमरी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे ब्लड बॉडीली फ्लूइड्स, या फिर एयर से कॉन्टैक्ट में आने से
ये फैल सकता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड एनिमल का इनएडिक्वेटली कुक्ड मीट खा लें वो भी तब भी ट्रांसमिट हो सकती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट से होगा, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशन से, स्किन टचिंग से, या फिर जो पेशेंट फ्लूइड्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से। वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं, 10 में से 1% की इससे डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? ट्रीटमेंट अभी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ना ही कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल की गई है, लेकिन जो एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी उसको 85% तक इसमें इफेक्टिव पाया गया है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो है वो 1980s में ख़त्म हो गया था वर्ल्ड में, वर्ल्ड को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था स्मॉल पॉक्स से, इसलिए इसकी वैक्सीन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और अभी करंटली कोई भी ऐसा ग्लोबल सिस्टम नहीं है जिससे मंकी पॉक्स के स्प्रेड को हम मैनेज कर पाएँ, इसलिए जो भी कंट्री इसको फेस कर रही है वो स्ट्रगल कर रही है इस आउटब्रेक से को डील करने में। ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। वोकैबलरी देख लेते हैं आप। वोकैबलरी के लिए हमारे पास आज क्या है, सबसे फर्स्ट वर्ड है डैमनेशन। डैमनेशन का मतलब है फटकार, रिब्यूक। नेक्स्ट वर्ड है टोसअप। टोसअप मतलब जल्दी करके पकाना। दोबारा से देख लेते हैं, डैमनेशन, डैमनेशन का मतलब फटकार या रिब्यूक। दूसरा है टोसअप, टोसअप का मतलब जल्दी करके पकाना। ये आपको याद रखने हैं, आपकी वोकैबलरी धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी इससे। अब जो आज का क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास, ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर बट वॉज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड हमारे पास है, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन सी इसमें करेक्ट है आपको बताना है। इसमें हमारे पास आंसर आएगा डी, क्योंकि इनमें दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगी, इनिशियली वन इलेक्शन कमीशन था लेकिन उसको मल्टी मेंबर बॉडी जो बनाया गया 42nd अमेंडमेंट से नहीं बनाया गया था। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जो इलेक्शन कमीशन था इनिशियली वो एक वन इलेक्शन कमिश्नर उसमें पाया जाता था, बाद में उसको इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं बनाया गया, इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों गई, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको उसी प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है जैसी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की है, और कौन करेगा उसको रिमूव, पार्लियामेंट, प्रेजिडेंट नहीं करेंगे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गई, आंसर आ गया हमारे पास डी। ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगता है तो आपको वीडियो का लाइक ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, जो भी आपके सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी, मैंने देखा है आप लोग PDF के लिए बोल रहे हैं, मुझे पता है मुझे PDF प्रोवाइड करवानी है, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 4 से 5 दिन का, मैं आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। एक्चुअली क्या है, PDF में आपको एज इट इज़ प्रोवाइड नहीं करवा सकती न्यूज़पेपर, क्योंकि वो लीगल नहीं है, कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो मुझे इस चीज़ में टाइम लग रहा है कि PDF किस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाना है, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, उसमें टाइम लग जाता है। मैं आपको 4-5 दिन के बाद ज़रूर से ज़रूर PDF प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच।